नमस्कार, उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के सेवादार सदस्यों के दल के वाहन को फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान सेवादारों की ओर से केदारनाथ यात्रा पर 21 से 25 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाम पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी तैयारियां की गई हैं। चारधाम यात्रा की नियमित समीक्षा की जा रही है। बाबा केदार की कृपा से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं के सभी धामों की कृपा से ये यात्रा हमारी बहुत ऐतिहासिक होगी। बहुत लोगों के अंदर उत्साह है, जोश है, आस्था है, श्रद्धा है। पूरे देश के लोग लगातार बुकिंग करवा रहे हैं। 16 लाख के लगभग लोगों के अभी तक पंजीकरण हो गए हैं। ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है और बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संगठनों के लोग, सामाजिक लोग, सेवादार सभी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। कोई भंडारा करा रहा है, कोई सेवा के काम कर रहा है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सब लोग यात्रा को सफल बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। हमारा ध्येय है कि पूरे देश भर से आने वाले श्रद्धालु अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से अपने दर्शन कर सकें, उनकी यात्रा अच्छी हो, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। हम सबकी आतिथ्य के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड पूरा सरकार सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और लगातार उसकी मॉनिटरिंग समीक्षाएं लगातार हो रही हैं। मैं स्वयं अपने स्तर पर भी कर रहा हूं और भी हमारे सभी संबंधित विभागों के लोग जो जिस विभाग से संबंधित सभी तैयारियां पूरी हो रही हैं। पूरे राज्य का समेकित रूप से विकास होना चाहिए। उसके विकास के मामले में कोई पक्ष नहीं, कोई पक्ष नहीं, पूरे प्रदेश का एक साथ विकास होना चाहिए। सभी का सहयोग और सबका साथ, प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वहीं चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराने की तैयारी की जा रही है। मगर चारधाम यात्रा में IRCTC के जरिए टिकट कराना टूर ऑपरेटर्स और यात्रा कारोबार से जुड़े लोगों को रास नहीं आ रही। हरिद्वार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन और टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन से जुड़े कारोबारियों ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और हरिद्वार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन और टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन से जुड़े कारोबारियों ने कहा कि विभागीय अफसरों की अनदेखी के कारण चारधाम यात्रा में कई अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं, जिसका खामियाजा टूर ऑपरेटर समेत चारधाम यात्रियों को भुगतना पड़ेगा। IRCTC का टिकट बुकिंग पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिससे एक टिकट बुकिंग करने के लिए भी घंटों की मशक्कत करनी पड़ रही है। साथ ही IRCTC से टिकट करना महंगा भी पड़ रहा है, जिससे कारोबारियों के साथ राज्य सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। सरकार को हेली टिकट बुकिंग के लिए दूसरे पोर्टल की व्यवस्था करनी चाहिए। पांच छह मांगे हैं, संख्या सीमित के ऊपर मैटर है, कोई स्पीड गवर्नर का मैटर है, पैनिक बटन का मैटर है, जो सरकार को या चारधाम यात्रा स्टार्ट होने लगती है उसी वक्त याद आता है। जिनमें सबसे बड़ी मैटर ये आ रहा है कि चारधाम यात्रा के अंदर हेलीकॉप्टर का टिकट का भी मैटर बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। जो यात्री हेलीकॉप्टर के द्वारा यात्रा चौपर के द्वारा करना चाहते हैं उनको भी कोई व्यवस्था उपलब्ध कराई नहीं जा रही। हमारे टूर ऑपरेटरों को टिकटिंग की कहीं व्यवस्था, कोई लॉगिंग आईडी, कोई चीज नहीं दी गई जिसके द्वारा कि दूसरा मैं सरकार के वहीं हरिद्वार में जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में खोए और चोरी हुए 552 मोबाइल फोन को खोजकर पुलिस उनके मालिकों को फोन सौंप दिए हैं। SSP अजय सिंह ने मोबाइल के मालिकों को उनके खोए हुए चोरी हुए मोबाइल फोन सौंपे। SSP अजय सिंह ने कहा कि हरिद्वार के समस्त थाना क्षेत्रों में खोए मोबाइल फोन के संबंध में नियुक्त टीमों ने कार्रवाई करते हुए पिछले 6 महीने के अंतराल में गुम हुए 1 करोड़ के मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए हैं। मोबाइल मिलने के बाद मोबाइल स्वामी पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं। मेरा फोन जो है बाइक से गिर गया था, मैं बाजार से आ रहा था, तब मैंने ज्वालापुर थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद मेरा फोन आज 9 महीने बाद मिला है।
मैं हरिद्वार पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मोबाइल फोन एक जीवन का महत्वपूर्ण गैजेट है जो सभी व्यक्तियों सभी लोग यूज करने लगे हैं, और जब उसके खोने के बाद उसके महत्वपूर्ण डेटा या उसके कॉन्टैक्ट्स या बहुत सारी ऐसी सूचना रहती है फोटोग्राफ जिससे उसे दिक्कत आती है, इसको देखते हुए जो है साइबर सेल द्वारा इस पर निरंतर प्रयास किया था। जहां भी हमारे मोबाइल खोते हैं व्यक्ति उसके उनकी एप्लीकेशन लेकर प्रयास किया जाता है उनको खोजने का, और इसी क्रम में अभी 252 मोबाइल बरामद किए गए जिनकी कीमत करीब 43 लाख है। और बेसिकली क्या है कि जो आदमी का जैसे पर्सनल अटैचमेंट अपने मोबाइल से हो जाता है, और जब वो उसको मिलता है उसका डेटा उसको मिल जाता है या उसके कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं उसकी फोटोग्राफ्स मिल जाती है या महत्वपूर्ण चीजें, तो बहुत खुश होता है। तो विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग जो पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग है इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी साइबर टीम लगातार प्रयास कर रही है। विगत 6 माह में हमने जो है करीब 1 करोड़ से ज्यादा के मोबाइल फोन जो है वापस कराए हैं। और वहीं गर्मियां शुरू होते ही वन्य जीवों के सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाती है, इसलिए वे आबादी के क्षेत्रों का रुख करते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व ने इस समस्या से बचने के लिए रिजर्व के सभी रेंजों में दर्जनों वाटर होल्स तैयार किए हैं, साथ ही इसमें वाटर होल्स में पानी भरने और साफ सफाई की व्यवस्था कर रखी है। जंगली जानवरों की सुविधा के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से कुछ नए वाटर होल्स भी तैयार किए गए हैं, जिसमें गर्मी के मौसम में जंगली जानवरों को पीने के पानी की किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। ग्रीष्मकाल में वन्य जीवों के लिए पीने का पानी एक महत्वपूर्ण चीज है, तो ये हमेशा से वाटर होल का जो मेंटेनेंस और जो उनका नया निर्माण है ये राजाजी टाइगर जू की प्राथमिकता रही है। इसी के अगर मैं बात करूँ टाइगर जू के अंतर्गत लास्ट ईयर ही 2 बड़े जलकुंड बनाए गए, लगभग 1-1 लाख लीटर कैपेसिटी के हैं। एक चीलावली रेंज में बनाया गया, एक रवाशी रेंज में बनाया गया। इसके अतिरिक्त जो हमारे पहले से ही जो जलकुंड थे उनकी भी मरम्मत कर ली गई है। इसके अतिरिक्त कुछ नए कच्चे वाटर होल बनाए गए, तो पूरी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं कि आगामी जो ग्रीष्मकाल जो और अभी आगे बढ़ेगा मई जून में उसमें किसी भी प्रकार से वन्य जीवों को पीने के पानी की दिक्कत ना हो। उत्तराखंड ऊर्जा कामगार संगठन ने डाक पत्थर में यूनियन का गठन किया, वहीं उनकी कुछ मांगे भी हैं जिनके बारे में भी चर्चा की गई। वहीं इस संगठन में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मी शामिल हैं जिनकी समस्याएं सुनी गई और उनको जल्द ही निपटाने के लिए बातचीत की गई। आइए जानते हैं कि क्या कहना है उत्तराखंड ऊर्जा कामगार संगठन के पदाधिकारियों का। एक तो हम लोगों ने जो है यमुना वैली की कार्यकारिणी बनानी थी उसका गठन था, क्योंकि काफी समस्याएं कर्मचारियों की आ रही हैं, और खासकर सरकार जो है पिछले कुछ टाइम से और निगम प्रबंधन जो है वो थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास का शोषण कर रहा है। कर्मचारी नहीं है, एक जना जो है 3-3 जनों का काम कर रहा है। आप भी वो लगा दीजिए, अधिकारियों की फौज बढ़ती चली जाएगी पर कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं हो रही है। 100 अभी हम मिले थे GMHR से, तो 100 वैकेंसी अगर मांगी गई तो 10 वैकेंसियां कर्मचारियों की केवल उन्होंने पास करी, जबकि अगर वही अधिकारियों की जाती तो पूरी स्ट्रेंथ सेंक्शन होकर आ जाती। ACP हमारे लोगों की लगी है, पर हम लोगों की थर्ड और फोर्थ क्लास वाले की 4600 से नीचे वाले की रिकवरी हुई है। पहले खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं देहरादून की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के सेवादार सदस्यों के दल के वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। इन सेवादार द्वारा श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 21 से 25 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाम पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं बाबा केदार की डोली के गुप्तकाशी से केदारनाथ पहुंचने तक यात्री पड़ाव पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी तैयारियां की गई हैं। चारधाम यात्रा की नियमित समीक्षा की जा रही है। चारधाम यात्रा के प्रति लोगों को में काफी ज्यादा उत्साह है। अभी तक 16 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। वहीं स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक संगठनों का पूरा सहयोग है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा दी जाएगी।
वहीं 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। इस दौरान अतिक्रमण ट्रैफिक बाधा न बन सके, इसके लिए नगर निगम परिसर में बैठक हुई। बैठक में नगर आयुक्त राहुल गोयल, एसडीएम सौरभ असवाल, सीओ संदीप नेगी, इंस्पेक्टर खुशीराम पांडे शामिल रहे। इस मौके पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यात्रा काल के दौरान शहर में कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। अतिक्रमण होने से ट्रैफिक बाधित होता है। आंतरिक मार्गों पर पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। सभी अधिकारियों को लोगों से सड़क से और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करने की अपील भी की गई है और चेतावनी भी दी गई है कि यदि शिकायत मिलेगी तो अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चालान काटकर जुर्माना तो वसूल किया ही जाएगा और बार बार अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि दूर दराज से तीर्थयात्री आते हैं, चारधाम यात्रा के लिए बहुत दूर जाना होता है, इसलिए चेकिंग के नाम पर अनावश्यक रूप से तीर्थयात्रियों को बॉर्डर पर परेशान नहीं होना पड़ेगा। शासन स्तर पर, जिले स्तर पर सभी जगह की गई हैं और हरिद्वार एक एंट्री पॉइंट है चारधाम यात्रा का। और बेसिकली जो भी यहाँ चारधाम में जाता है एक दिन जरूर स्टे हरिद्वार करता है, माँ गंगा का स्नान करता है, गंगा आरती देखता है, लोकल मंदिरों का भ्रमण करके तब आगे यात्रा पे जाता है। तो हरिद्वार इस मामले में थोड़ा लकी है, सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर जितने भी यात्री आए उनके रहने का पर्याप्त स्थान है, पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था है और हमारा पुलिस प्रशासन सभी लोग हर इतने बड़े बड़े स्नान पर्वों को, मैं तो ये कहूंगा हरिद्वार में तो हर वीकेंड पर एक मेले जैसा माहौल रहता है, 40-50 लाख लोग हमेशा आते हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने एसीआर को लेकर कहा कि सतपाल महाराज 2017 से प्रदेश में जो सरकार रही है और उसमें वरिष्ठ मंत्री के रूप में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार एक ही बात कहते रहे, एसीआर लिखने का अधिकार मंत्रियों को मिलना चाहिए। प्रीतम सिंह ने आगे कहा कि पिछले 5 साल में भी हमने यह गाना सुना और अब 2022 के चुनाव के बाद जो सरकार बनी है इस सरकार में भी अब हम वही गाना सुन रहे हैं। सतपाल महाराज जी 2017 से प्रदेश में जो सरकार रही और है उसमें वरिष्ठ मंत्री के रूप में लगातार कार्य करते रहे, लेकिन वो लगातार एक ही बात कहते रहे कि एसीआर लिखने का अधिकार जो है मंत्रियों को मिलना चाहिए। पिछले 5 साल में भी हमने ये गाना सुना और अब 2022 के चुनाव के बाद जो सरकार बनी है इस सरकार में भी हम वही गाना सुन रहे हैं। एसीआर का अधिकार मिलना चाहिए, इससे स्पष्ट परिदर्शित हो गया है कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों में कोई समन्वय नहीं है और समन्वय ना होने की वजह से प्रदेश का तो अहित हो ही रहा है, लेकिन मंत्री भी अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं इसलिए बार बार वो जो है सियाह लिखने की मांग उठा रहे हैं। उत्तराखंड वन विभाग में प्रमुख वन संरक्षक की कुर्सी को लेकर चल रहे विवाद पर सरकार ने सकारात्मक फैसला लिया है। विनोद कुमार सिंगल को फिर से प्रमुख वन संरक्षक बनाया गया है। इसके साथ ही राजीव भरतरी को वापस जैव विविधता बोर्ड भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शासन ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। विनोद कुमार सिंगल ने चार्ज संभालने के बाद कहा कि फॉरेस्ट फायर को कम करना उनकी प्राथमिकता में है।
उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले तक उनके पास वन विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी थी और फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए पहले से ही तमाम तैयारियां कर ली गई थी। तैयारी इस पे देखिए, तैयारी हमने पहले से कर रखी है और 3 अप्रैल तक भी मेरे पास ही चार्ज था, तो ऐसी ये दोनों चीजें मेरे लिए नई नहीं है और इसकी पूरी तैयारी हो रखी है। जहां तक फॉरेस्ट फायर की बात है, हमारे कंट्रोल रूम्स हर जिले से जुड़े हुए हैं, जो स्टेट का डिजास्टर का जो कंट्रोल रूम है उससे जुड़ा हुआ है। हर जिला अधिकारी को शासन की तरफ से, प्रशासन के लिए भी ये है कि वन अग्नि की कोई भी घटना हो तो सब लोग एक टीम के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरी की लगती न्यारी, पावन चार धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है चार धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394833833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135-1364 या 0135-3520100 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन चार धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम चार धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। देवों की भूमि है देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आस्था के केंद्रों पर शीश नवाने आते हैं। उत्तराखंड सरकार धार्मिक पर्यटन को सुगम बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। जहां एक ओर चार धाम रेल लाइन प्रोजेक्ट का काम तेजी से प्रगति पर है, वहीं ऑल वेदर रोड ने तीर्थ यात्रियों को लाभान्वित करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते चार धाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। केदारनाथ पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट के साथ साथ बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम के कायाकल्प पर तेजी से काम हो रहा है। धामी सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र के अनेक पौराणिक एवं ऐतिहासिक मंदिरों के सुनियोजित विकास के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत राज्य सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र के 60 से अधिक प्राचीन मंदिरों के सौंदर्यकरण, पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार का संकल्प लिया है। मिशन के तहत इन दिव्य धामों तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में धार्मिक स्थलों के सुनियोजित विकास ने धार्मिक पर्यटन को नई दिशा दी है, जिससे तीर्थ यात्रियों और सैलानियों के लिए उत्तराखंड यात्रा बन रही है बेहतर, सुगम और सुरक्षित। सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है हमारे प्राचीन मंदिरों के लिए, जिससे अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आए। धार्मिक पर्यटन के साथ साथ राज्य सरकार इस क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे बड़ी तादाद में युवा पर्यटक आकर्षित होंगे और यहाँ रोजगार के नए विकल्प खुलेंगे। उत्तराखंड सरकार के इन नीतिगत फैसलों से
संपूर्ण विकास को मिलेगा एक नया आयाम। एक साल नई मिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के गोला नदी में रेता बजरी की निकासी करने वाले डंपर स्वामियों ने एडीएम के माध्यम से ज्ञापन देते हुए नदी में वजन के पुराने नियमों को लागू करने की मांग की है। वाहन स्वामियों का कहना है कि पिछले वर्ष तक हर गाड़ी 108 क्विंटल रेता बजरी लाती थी, लेकिन इस बार सरकार ने इस नियम को बदल दिया है, जिस कारण न तो सिर्फ गोला नदी में काम करने वाले मजदूर परेशान हैं, बल्कि वाहन स्वामियों को भी नुकसान हो रहा है। लिहाजा वाहन स्वामियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर तत्काल पूर्व की भांति वाहनों के ढुलाई क्षमता 108 क्विंटल किए जाने की मांग की है। देखिए, नदियों में पूर्व में जो है 108 क्विंटल माल हम लाते थे गोला से, और जो 109 क्विंटल से ऊपर आता था उसकी अगले दिन की निकासी बंद हो जाती है। तो गोला एक बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। अभी बीच में हम लोग 91 दिन धरने के बाद उठे हैं, उसके बाद इन्होंने पहले तो जो है आरसी के अनुसार वजन किया, उसके बाद इन्होंने जो है 185 क्विंटल ग्रॉस वेट कर दिया, यानी एक गाड़ी में 120 क्विंटल लगभग आ रहा है। दिक्कतें तो थी 90 दिन से हम धरने में बैठे थे तो दिक्कत थी, अभी अच्छे खासे सुचारू रूप से चल रहा था तो 108 क्विंटल के बाद से पहले की तरह निकासी बंद हो जाती थी। लेकिन हम लोग हाईकोर्ट गए थे तो हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जितना गाड़ी की क्षमता है उसी हिसाब से माल ढोया जाए। ये हाईकोर्ट के भी जो आदेश थे उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो कोई गाड़ी में 140 क्विंटल माल आ जा रहा है तो किसी गाड़ी में 110 क्विंटल माल आ रहा है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। उत्तराखंड में सुशासन की